सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहित, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइज, बुकमार्क का जमाना गया। आज की डेट में मार्केट में काफी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि भाई आप कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये कर सकते हो, रन कमांड की हेल्प से कुछ और कर सकते हो। तो भाई हमने भी आपको कुछ नया दिखाना चाह रहा, तो हमने क्या किया भाई, रन कमांड की हेल्प से वेबसाइट को ओपन करना आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पर रन कमांड टूल ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने गूगल टाइप किया। गूगल टाइप करते मैंने यहाँ पे एंटर मारा और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गूगल का ऐप व्यू ओपन हो चुका है, एक काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे का एक ऐप भी ओपन हो चुका है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ यहाँ पर YouTube, और YouTube मैंने एंटर किया और एंटर करते ही आप देख सकते हैं डायरेक्ट YouTube ओपन हो गया। मतलब मुझको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ा, सीधा रन कमांड टूल के अंदर एंटर हुआ और यहाँ पर मैंने सर्च किया तो YouTube मेरा ओपन हो गया। ये मैंने कैसे किया आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा। चलिए जब बताते हैं, तो यहाँ पर आपको गाइस करना क्या है, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट और ओपन करी है जो कि आपको एरर मैसेज आने वाला है अभी, विकिपीडिया। और विकिपीडिया मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज कैन नॉट फाइंड द विकिपीडिया, मेक श्योर दैट आपने जो भी स्पेलिंग आपकी है कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, या फिर आपने कोई बेसिकली कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। तो इस तरीके से ट्राई अगेन लेटर का कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा। जब तक आप मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो वीडियो पूरी कंप्लीट एंड तक देखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यदि आपके पास लेटेस्ट गूगल क्रोम का ब्राउजर है तो वो भी बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली जो भी वेबसाइट या वेब पेज आपको ओपन करना है शॉर्टकट, मतलब एज ए शॉर्टकट रन कमांड की हेल्प से, तो आपको वो वेबसाइट पहले, सबसे पहले वेबसाइट सर्च करनी है आपकी। तो मैंने यहाँ पर विकिपीडिया आपको एज ए एग्जांपल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने विकिपीडिया मैंने यहाँ पर सर्च किया, विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, मैंने यहाँ पे wikipedia.org पे गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकिपीडिया जो है wikipedia.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे को गूगल क्रोम के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, यहाँ पर मुझको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझको यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करना है। कैसे करना है, ये मोर टूल्स में गया, मोर टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर मैंने क्रिएट शॉर्टकट क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रिएट शॉर्टकट क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे से ये कुछ पूछ रहा है कि लाइक आपको टिक करना पड़ेगा। यदि आप टिक करते हैं तो आपका ऐप व्यू ओपन होने वाला है, यदि आप टिक नहीं करते तो आपका टैब व्यू ओपन होने वाला है। टैब व्यू कैसे, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये मेरा टैब व्यू है और ऐप व्यू मैंने अभी आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे गूगल टाइप किया, यहाँ पे जैसे गूगल टाइप किया ये मेरा ऐप व्यू है। ऐप व्यू एक प्रोफेशनल लेवल का काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपने कोई ऐप ओपन कर रखी है, इस तरीके से आपका पेज ओपन होने वाला है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली यदि इस तरीके से आपको ऐप व्यू ओपन करना है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर ये देखिएगा विकिपीडिया एक नाम लिखा हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि रन कमांड की हेल्प से आप कोई शॉर्ट नाम डालें, जैसे विक्की डाल दें या विक्की पी डाल दें तो उसके थ्रू वो ओपन हो, तो आप वो यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं सिंपली विकिपीडिया पूरा नाम यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया है। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शॉर्टकट यहाँ पर मेरा आ चुका है। ठीक है, अब इस शॉर्टकट को मुझको क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट को मुझको कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कट किया और सिंपली मुझको अपने सी ड्राइव के अंदर, जिस भी ड्राइव के अंदर आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, चाहे वो सी ड्राइव हो, चाहे वो डी ड्राइव हो, चाहे ई ड्राइव हो, जिसमें भी इंस्टॉल्ड है, आपको वहां पर जाना है। विंडोज का सर्च करने के बाद, यहाँ पर विंडोज सर्च करने के बाद आपको सिस्टम 32 के अंदर यहाँ पर एंटर होना है फोल्डर के अंदर। जैसे मैं सिस्टम 32 के अंदर एंटर हुआ, यहाँ पर मुझको वो शॉर्टकट की शॉर्टकट आइकन पेस्ट कर देना जो कि मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। यहाँ जैसे मैं शॉर्टकट आइकन पेस्ट करूँगा तो ये कुछ प्रिविलेजेस मांगेगा, परमिशन मांगेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा, आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। यदि आप एक एडमिन से लॉगिन किया हुआ है आपने, यदि आपने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया तो कोई टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट वो पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के ऑथेंटिकेशन को अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर अब मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली मुझको रन और कमांड ओपन करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, विकिपीडिया टाइप करके एंटर मारना है, जैसे मैं अभी मार रहा हूँ wikipedia। और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा विकिपीडिया का ऐप व्यू ओपन हो चुका है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को एक ट्रिकी फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। आप अपने क्लिक के सामने जाके रन कमांड को डायरेक्ट डाल के किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव होगा। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि आपको आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, जाते जाते बोलना चाहता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।